factorize negative 12 f square minus 38 f plus 22. अब इस ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन को हमें फैक्टराइज करना है. तो पहली चीज जो इसको देख के मेरे दिमाग में ये आएगी, जो हम पहले से करते आए हैं, हमें दो नंबर्स ढूंढने हैं ए और बी. ऐसे नंबर्स जिनका जब मैं प्रोडक्ट करूं, मतलब कि ए टाइम्स बी जब मैं करूं, तो उसकी वैल्यू एफ स्क्वायर का कोफिशियंट और इस कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करने पे आए, यानी कि नेगेटिव 12 टाइम्स 22 के बराबर. और ए प्लस बी की वैल्यू जो है इस एफ के कोफिशियंट यानी कि नेगेटिव 38 के बराबर आए. अब नेगेटिव 12 टाइम्स 22 कितना होता है, चलिए देखते हैं. तो 22 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा पहले 12 से, तो मुझे मिल जाएगा 2 2 4 2 2 4, और फिर 10 को मैं करूंगा 22 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 1 2 2 और 1 2 2 220. इसको मैं करूंगा ऐड, तो 4 6 और 2, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई नेगेटिव 264. तो अब हमें दो नंबर्स ऐसे चाहिए जिनका प्रोडक्ट नेगेटिव 264 हो और जिनको ऐड करने पे नेगेटिव 38 आए. अब ये तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है. तो एक्चुअली हम इसको थोड़ा और आसान कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया. मैं बताता हूँ कैसे. जैसे यहाँ पे देखिए, ये करने से पहले पहले हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव 12 है, यहाँ पे नेगेटिव 38 है और 22 है, तीनों इवन है तो 2 से तो डिविजिबल होंगे ही. तो क्यों ना मैं 2 को पहले बाहर कॉमन निकाल लूँ ताकि मेरे कैलकुलेशन में मुझे आसानी मिल जाए. तो मैं एक काम करता हूँ, नेगेटिव 12 को मैं लिख सकता हूँ, मान लीजिए नेगेटिव 2 टाइम्स 6 एफ स्क्वायर, ये हो गया. नेगेटिव 38 को मैं लिख सकता हूँ नेगेटिव 2 टाइम्स 19 एफ, और 22 को मैं लिख सकता हूँ 22 को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 11. अब यहाँ भी नेगेटिव 2 है, यहाँ भी नेगेटिव 2 है, यहाँ पॉजिटिव 2 है, तो चलिए यहाँ भी हम नेगेटिव 2 करने की कोशिश करते हैं. तो वो करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यहाँ मैं कर देता हूँ नेगेटिव 2 और इसको भी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ नेगेटिव 11 से, क्योंकि नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव मुझे पॉजिटिव ही दे देगा और मुझे वापस से 22 मिल जाएगा. और ये करने से मेरा फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ भी नेगेटिव 2 आ गया, यहाँ भी नेगेटिव 2 आ गया और यहाँ भी नेगेटिव 2 आ गया, तो मैं तीनों को बाहर कॉमन निकाल सकता हूँ. तो जैसे ही मैं नेगेटिव 2 को बाहर कॉमन निकालूंगा, अंदर अब क्या बच जाएगा, चलिए वो देखते हैं. तो यहाँ आ जाएगा 6f स्क्वायर प्लस 19f और माइनस 11. अब ये हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन बच गया है, जो कि एक्चुअली इसके कंपैरिजन में थोड़ा आसान है, क्योंकि अब हमको दो नंबर्स फाइंड करने हैं. मान लीजिए दो नंबर्स हैं, कुछ और ले लेते हैं, जैसे P और Q. तो P और Q का जो प्रोडक्ट है वो एफ स्क्वायर का कोफिशियंट और इस कॉन्स्टेंट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, यानी कि 6 टाइम्स नेगेटिव 11 यानी कि नेगेटिव 66 के बराबर. और P प्लस क्यू, इसकी वैल्यू जो है वो होनी चाहिए F के कोफिशियंट यानी कि 19 के बराबर. अब आप बताइए, ये करना ज़्यादा आसान था या फिर ये करना. तो इसीलिए हम पहले जो भी चीज़ हमें कॉमन दिखती है उसको हम बाहर घसका लेते हैं. तो चलिए अब इसके फैक्टर्स हम लिखना शुरू करते हैं. तो चलिए पहले 66 के बारे में बात करें, साइन के बारे में तो हम बाद में देख सकते हैं. तो 66 1 से शुरुआत करते हैं, तो 1 टाइम 66 होता है, लेकिन इसको मैं कैसे भी जोड़ घटाव करूंगा तो मुझे 19 तो नहीं मिलने वाला है. वैसे ही मान लीजिए अगले फैक्टर पे आते हैं, 2 टाइम्स 33 वो भी 66 होता है. 3 पे आते हैं तो 3 टाइम्स 22 वो भी 66 होता है. और साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि आप देखते जाएं कि क्या हम इन दोनों नंबर्स को कुछ भी करके प्लस माइनस करके 19 ला सकते हैं. तो 233 मैं सब्ट्रैक्ट भी करूँगा तो 31 मिलेगा, 19 तो कभी मिल नहीं सकता. यहाँ पे आता हूँ तो 22 और 3 है, 22 में से 3 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 19 आ जाएगा. हाँ, तो अब मुझे नेगेटिव 66 चाहिए. तो मान लीजिए अब मैं नेगेटिव 3 ले लेता हूँ, और एक्चुअली अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरा दोनों का एडिशन एक पॉजिटिव वैल्यू है, यानी कि जो दोनों में से बड़ी क्वांटिटी होगी वो पॉजिटिव होगी. तो अगर मैं 22 को पॉजिटिव रखता हूँ और 3 को नेगेटिव कर देता हूँ, नेगेटिव 3 और 22, तो जैसे ही मैं यहाँ पे रखूँगा P की जगह नेगेटिव 3 और Q की जगह प्लस 22, तो इसकी वैल्यू 22 माइनस 3 19 के बराबर हो जाएगी, यानी कि हमें हमारे दोनों P और Q मिल चुके हैं, नेगेटिव 3 और 22. बस एक बार हमें जब ये मिल गया तो बाकी चीज़ तो हम कर सकते हैं.
तो एक काम करते हैं, थोड़ा यहाँ से स्क्रीन साफ कर देते हैं। इस मेथड को आप ज़रूर करके देखिएगा एक बार, तब आपको पता चलेगा कि हम क्यों पहले कॉमन निकाल लेते हैं हर टर्म में से। ठीक है, चलिए यहाँ से हमने जगह खाली कर दी थोड़ी। अब यहाँ पे हमको बीच वाले टर्म को, ये जो एफ का टर्म है, इसको स्प्लिट करना है पी और क्यू के टर्म्स में। तो नेगेटिव टू तो चुपचाप शांति से बाहर है ही, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अंदर पे आते हैं तो अंदर हो जाएगा 6f². 19f को मैं लिख दूंगा प्लस 22f माइनस 3f। आप चाहे तो -3f पहले कर सकते थे, 22f बाद में लिख सकते थे, और फिर -11, ये हमें अंदर मिल गया। अब चलिए, अब इसको आगे हम देखते हैं कि आगे क्या क्या होगा इसके साथ। तो नेगेटिव टू तो है ही, नेगेटिव टू इधर आ गया, 6f² और 22f दोनों इवन हैं, तो मैं 2 बाहर निकाल सकता हूँ, और एफ भी दोनों में कॉमन है, तो चलिए 2f हम बाहर खींच लेते हैं। अंदर क्या बच जाएगा, तो 2 × 3 होता है 6, तो यहाँ आ गया 3। 1f हम बाहर निकाल चुके हैं, तो 1f और बच जाएगा, प्लस 2 × 11 होता है 22, तो प्लस 11 एफ हम निकाल ही चुके हैं, तो और कुछ नहीं आएगा। दोनों पे यहाँ पे नेगेटिव है, तो चलिए हम -1 बाहर कर लेते हैं। अंदर आ जाएगा 3f + 11, 3f + 11, इसको हम थोड़ा इधर शिफ्ट कर देते हैं ताकि हमें जगह मिल जाए। ये इधर आ गया और ये इधर ऐसे क्लोज हो गया, और -2 तो इस वाला हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, ऐसे इसको हम जगह बना लेते हैं। चलिए ठीक है, मेरा स्ट्रेट लाइन क्या ही बोलूँ मैं। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आ गया -2, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 3f + 11 इधर भी है और 3f + 11 इधर भी है, तो क्यों ना हम दोनों को बाहर कर लेते हैं। 3f + 11 इधर आ गया, और अंदर क्या बच जाएगा, फिर यहाँ पे अंदर हमारे पास आ जाएगा ये वाला 2f और -1। बस हमारा काम हो गया। यहाँ पे हमने इस दिए हुए एक्सप्रेशन को 3 एक्सप्रेशंस के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया, -2 × 3f + 11 × 2f - 1। इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये दिया हुआ एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो बस यही हमें करना था और हमने ये कर लिया।